हे एवरीवन, दोस्तों पूरा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इंडियन कार मैन्युफैक्चरर्स मेहनत कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के अंदर इंडियन मेड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाने के लिए। कितनी गर्व की बात है ना। अगले 20 साल के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पूरे देश भर में बहुत से इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक कार्स, बसेस और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स लॉन्च करेंगे। ये नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान लॉन्च हुआ था 2013 में, ताकि वो पूरे देश में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर सके विद एन एम टू रिड्यूस लिक्विड फ्यूल कंजम्पशन, और साथ ही वो इंडिया में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सेल्स को टारगेट कर सके। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ईवी कंपनीज को देखेंगे जो इस मिशन के मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो पहला है टाटा इलेक्ट्रिक। टाटा मोटर्स करेंटली इंडिया का लीडर है इन द इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट। विद टाइगर ईवी एंड नेक्सॉन ईवी इन इट्स लाइनअप, पूरे इंडिया में टाटा का मेजोरिटी शेयर है इन द इंडियन इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट। कंपनी ने एक एक्सप्रेस टी इलेक्ट्रिक सेडान भी लॉन्च किया है फॉर द कमर्शियल सेगमेंट। गोइंग फॉरवर्ड कंपनी बाय मार्च ऑफ 2022 में कुछ और इलेक्ट्रिक कार्स ऑफर कर रहे हैं, लाइक टियागो ईवी, एल्ट्रॉस ईवी एक्सेट्रा। टाटा मोटर्स ने 2020 में अनवील किया था उनका नेक्सॉन का इलेक्ट्रिक वर्जन, और उसमें उन्होंने उनका लेटेस्ट जिप्ट्रॉन टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस किया था। और कंपनी अब अपना लेटेस्ट नेक्सॉन ईवी भी लॉन्च करने जा रहे हैं विद 40 किलोवाट आवर का बैटरी पावर एंड लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज। सेकेंड है महिंद्रा इलेक्ट्रिक। महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड बैंगलोर बेस्ड कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचते हैं इन द पैसेंजर एंड कार्गो सेगमेंट। और ये बस बेचते ही नहीं, दे आर ऑल्सो इंटू मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। पहला कंपनी जिसका नाम था रेवा इलेक्ट्रिक वॉज एक्वायर्ड बाई महिंद्रा एंड महिंद्रा, और आज इस कंपनी ने बहुत से कार्स लॉन्च किए हैं लाइक महिंद्रा E2O, इलेक्ट्रिक हैचबैक E2O प्लस, E-Verito सेडान, कमर्शियल इलेक्ट्रिक E-Supro और अब उनका अपकमिंग इलेक्ट्रिक वर्जन ऑफ KUV100। थर्ड है अशोक लेलैंड इलेक्ट्रिक। आपको शायद ये पता नहीं होगा बट अशोक लेलैंड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बस मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, और साथ ही ये एक मार्केट लीडर है फॉर ट्रक्स इन इंडिया। कंपनी ने ऑलरेडी अपना फुल्ली इलेक्ट्रिक बस इंडिया में लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है सर्किट, एडवांस नॉन प्लग इन वर्जन ऑफ हाई बस। अपार्ट फ्रॉम दिस दे हैव ऑल्सो अनाउंस द इलेक्ट्रिक यूरो 6 ट्रक। फोर्थ है ओलेक्ट्रा। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक इज वन ऑफ द मार्केट लीडर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक बसेस डिजाइन विद BYD, जो कि एक कंपनी है स्पेसिफिकली फॉर द इंडियन रोड्स। द इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर BYD का वेंचर विद ओलेक्ट्रा कुछ अमेजिंग इलेक्ट्रिक बसेस इंट्रोड्यूस करने में मददगार साबित हुआ है इन द सिटीज एंड स्टेट्स लाइक हैदराबाद, पुणे, तेलंगाना एंड दिल्ली। प्लस वो अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं टू इलेक्ट्रीफाई द इंडियन ई बस मार्केट। फिफ्थ है ओला इलेक्ट्रिक। ओला इज वन ऑफ दोज कंपनीज जिन्होंने एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट छोड़ा है टू द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस इन द कंट्री। कंपनी ने पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया था उनका S1 एंड S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, और देश भर में वो अच्छा खासा ऑर्डर्स रैकअप करने में सफल रहे हैं। लोग ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को पसंद कर रहे हैं फॉर इट्स वाइड रेंज ऑफ ऑनबोर्ड गैजेटरी, परफॉर्मेंस और उसका राइडिंग रेंज ऑफ अप टू 181 किलोमीटर पर चार्ज के लिए। बिसाइड्स जस्ट लॉन्चिंग स्कूटर्स, ओला ने डेवलप किया है दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टू व्हीलर फैक्ट्रीज। कंपनी ये भी प्लान कर रहे हैं टू इन्वेस्ट इन सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया। सिक्स्थ है कोना इलेक्ट्रिक बाय Hyundai। कोना इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय Hyundai इंडिया का फर्स्ट फुल्ली इलेक्ट्रिक SUV है, प्राइस्ड एट 25.3 लाख। ये SUV लोडेड है विद एंड्रॉइड स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, गूगल नेविगेशन सिस्टम एंड अ USB एंटरटेनमेंट फीचर अलोंग विद वायरलेस फोन चार्जिंग। Hyundai इस कोना इलेक्ट्रिक SUV के साथ बस पावर पैक ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही नहीं ऑफर कर रहे, बट वो ये भी प्लान कर रहे हैं टू इंस्टॉल EV चार्जिंग फैसिलिटीज इन इंडिया बाय पार्टनरिंग विद IOCL एट देयर फ्यूल स्टेशंस। सेवेंथ है एथर एनर्जी। अब मानो या ना मानो, एथर एनर्जी बन चुका है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मेकर इन इंडिया। ये कंपनी तब से शुरू हुआ था जब इंडिया के मोस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इनएफिशिएंसी और दूसरे इश्यूज लाइक ऑनबोर्ड फीचर्स, रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस से जूझ रहे थे। एथर जब अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ मार्केट में एंटर किया, इसने एक हाई स्टैंडर्ड सेट कर दिया और दूसरे EV मेकर्स को भी अपने एनवेलप से बाहर पुश करके इनोवेट करने में एंकरेज किया। उनका फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक स्कूटर 450X इज वन ऑफ द मोस्ट फीचर रिच इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन द कंट्री, और ये ऑफर करता है एक ट्रू राइडिंग रेंज ऑफ 85 किलोमीटर ऑन अ सिंगल चार्ज। एट्थ है हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक इज द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन इंडिया विद अ विजन ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी टू द नेशन। द मार्केट लीडर ऑफ द इंडियन इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री इन टू व्हीलर सेगमेंट ऑफर करता है एक वाइड रेंज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सच एज फोटोन, फ्लैश, ऑप्टिमा और हीरो इलेक्ट्रिक निक्स। नाइन्थ है एम फ्लक्स।
Enflux Motors प्रोड्यूस कर रहे हैं एक हाई परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल नेम्ड एज Enflux One। ये सुपर बाइक अब तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है, बट एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च बाय जुलाई ऑफ 2022। ये सुपर बाइक 200 किलोमीटर का बैटरी रेंज देता है इन अ सिंगल चार्ज। इसका टॉप स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर। इसका इलेक्ट्रिक मोटर 9.7 किलोवाट आवर का पावर देता है। इस सुपर बाइक का एस्टिमेटेड प्राइस रेंज आता है अराउंड 5.5 लाख। इस लिस्ट में 10th है अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव। अल्ट्रा वायलेट ऑटोमोटिव इज अ बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप फाउंडेड इन 2015। ये मैन्युफैक्चर करता है प्रीमियम इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स और इसे हमारे टीवीएस मोटर्स ने फंड किया है। द अल्ट्रा वॉलेट इज ऑल सेट टू लॉन्च इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक बाइक दैट इज द F77 इन 2022। इस F77 में कोई गियर बॉक्स या क्लच नहीं है, जस्ट थ्रॉटल को घुमाओ और बाकी सब इसका इलेक्ट्रिक मोटर देख लेगा। इट हैज अ टॉप स्पीड ऑफ 142 किलोमीटर पर आवर और ये 0-100 किलोमीटर पर आवर तक एक्सेलरेट करता है इन 7.8 सेकंड्स। इस अल्ट्रा वॉलेट मोटरसाइकिल्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है उसके बेंगलुरु लोकेटेड फैसिलिटी में और इसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है ऑफ 10,000 यूनिट्स। सो दोस्तों, ये है हमारे देश के टॉप 10 ईवी कंपनीज जिन्होंने इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कम्प्लीटली इलेक्ट्रीफाई और ग्रीन करने के रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लिया है। और बस इतना ही नहीं, और भी बहुत से ऐसे कंपनीज हैं जो ईवीज को मैन्युफैक्चर करते हैं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ यस, प्लीज इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें और हमारे इंडिया के इस ग्रीन मोबिलिटी रेवोल्यूशन का हिस्सा बने बाय एजुकेटिंग एवरीवन। सो अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम विद मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस, बाय फ्रॉम टेक बाबा।